brilliant achievement, yeah. Never been done before. Fantastic result. I think it's the way England play now, the more positive. क्योंकि हमारी अप्रोच है वो डिफेंसिव है, हमारी अप्रोच एग्रेसिव नहीं है. इम्प्रूव करने की जरूरत है. जैसे सरफराज को नहीं खिलाया उन्होंने, रिफजान से कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई, कैप्टनसी में फ्लॉज दिखे बाबर आजम की. इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश मुकम्मल किया और ये पहली दफा था कि होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना करना पड़ा. इस पर शायकीन क्या कहते हैं, कुछ लोगों से हमने बात की है और इंग्लैंड से आए हुए लोगों से भी हमने बात की है. आइए आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं. पहले वो T20 में आपको हराया उन्होंने, फिर उसके बाद अब आपको टेस्ट भी हरा दिया. अब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में देखेंगे क्या करते हैं ये लोग. इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. जैसे सरफराज को नहीं खिलाया उन्होंने, रिफजान से कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई, कैप्टनसी में फ्लॉज दिखे बाबर आजम की, तो आगे देखेंगे क्या करते हैं. इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अफसोस है हमें. टीम सिलेक्शन तो क्या बोल सकते हैं, सही है. जैसे दिखा हमें परफॉर्म किया है. अजहर अली अपना आखिरी खेल रहे थे टेस्ट मैच, तो परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी कोई. पहले इनिंग्स में 45 बनाए, फिर 0 बनाए उन्होंने. मेरी जगह सरफराज को, मैं सोचता हूँ कि सरफराज को खिलाना चाहिए था स्क्वाड में, तो क्योंकि वो परफॉर्म करके आया कायद आजम ट्रॉफी में, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलते. भाई बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है और इबरतनाक शिकस्त हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये सोचा नहीं था कि इस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रहेगी. किसी एक मैच में तो पाकिस्तान परफॉर्म करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो पहला टेस्ट जीतने वाले थे लेकिन हम हार गए. क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो डिफेंसिव है, हमारी अप्रोच एग्रेसिव नहीं है. अगर एग्रेसिव खेलेंगे हम जीत के तो जाएंगे, तो डेफिनेटली हम 20 टेस्ट जीत सकते थे. उसके बाद मुल्तान टेस्ट में भी हमें मौका मिला, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने हाथ से मौका गंवा दिया. और कराची टेस्ट में तो सॉरी, हम तो हथियार हमने डाल दिए थे पहले ही. हमारी जो बैटिंग लाइन थी, हमने ये देखा कि रिजवान की परफॉर्मेंस सिफा चल रही है जो हम देख रहे 3-4 मैचेस में, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको शामिल किया है. फवाद ना बहुत से खेलते हैं, जो टेस्ट प्लेयर है आपने उस पर फोकस करना है कि आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट के प्लेयर कौन से हैं और वनडे कौन से हैं और T20 कौन से हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है. जो सिलेक्टेड जो हमारे यहाँ बैठे हैं, आई डोंट नो उनको क्या चीज़ नजर आती है, उसको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है, आप उनको ही खिलाते हैं. कैसे हारे होम ग्राउंड पर, फिर इंग्लैंड से हार गए, अब न्यूजीलैंड आ रही है, क्या तवक्कुआत है, क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए? तब्दीलियाँ बिल्कुल होनी चाहिए. जैसे कि आपने पहले ही फवाद आलम को बाहर किया हुआ है, ठीक है, फिर इसके बाद आपने सरफराज को लिया हुआ है, तो एटलीस्ट आपको एक मौका तो दे. लेकिन आपने को बेसिकली क्या मसले हैं उनके साथ कि आपने उनको मौका ही नहीं देना. ये तो कह सकती हूँ कि इबराज जो कराची का अहम प्लेयर है वो क्लिक कर गया, अगर वो भी क्लिक नहीं कर पाता तो आपको शामिल नहीं करते. और इबराज की वजह से मुल्तान टेस्ट में ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि हम ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन बैट्समैनों ने काम खराब कर दिया. हाय, कांग्रेचुलेशन टू योर टीम, इट विन 3-0, इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट. ब्रिलियंट अचीवमेंट, या नेवर बीन डन बिफोर. फैंटास्टिक रिजल्ट. Played better all the three tests, and it was great to see. Really great to see. England were excellent. Pakistan a little bit, not their usual self, but England played really well. Harry Brook, brilliant take. But very good to watch. All three tests very good to watch. Touch and go, declarations, and with the light as well. But yeah, they come back and played excellently, England, and they were good to watch. So were Pakistan. Enjoyed this. England beat Pakistan in T20 World Cup final, and now 3-0 win. What was the behind reason? I think it's the way England play now, the more positive. So they seem to play to the strengths. But still, I think a lot of people will be surprised by the result here. I think no one expected 3-0 because it's never been done a white one. But yeah, all good for England. Not so great for Pakistan, but there you go, yeah. Yeah, I've enjoyed it. It's been really good. Good tour. नहीं, तो पाकिस्तानी शायकीन का ये कहना था कि टीम सिलेक्शन में गलतियां हुई हैं. जिस तरह से बाबर आजम की कप्तानी रही उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अब न्यूजीलैंड की टीम आ रही है तो उसके खिलाफ पाकिस्तान को बेहतर टीम सिलेक्शन और बेहतर हिकमत अमली के साथ जाना होगा. दूसरी तरफ इंग्लैंड से आए हुए जो शायकीन हैं, जो यहाँ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे, वो सरप्राइज हुए कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया. देखते रहिए स्पोर्ट्स कैफे.